हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, बट इसमें हम राइस यूज़ नहीं करेंगे। जी हाँ, एकदम हेल्दी वर्जन ऑफ चिकन बिरयानी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, ताकि सीक्रेट आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक मीडियम साइज़ प्याज, इससे हम पतला पतला स्लाइसेस में काट लेंगे। एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, एक कप धनिया पत्ता बारीक कटी हुई, और स्पाइसेस में लेंगे एक जावरती, 10 से 12 काली मिर्च, एक स्टार, 3 से 4 लवंग, 5 to 6 कार्डमम और 2 सिनेमम स्टिक्स और एक तेज पत्ता। और मसालों में हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर। जीरे को हम पहले भून लेंगे, फिर उसे कूट लेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा चिली पाउडर आप डालना। अभी 200 ग्राम चिकन लेंगे एक बाउल में, उसमें 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1/2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसमें 2 टेबल स्पून दही डालेंगे, दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, और अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसे कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए, ऑलमोस्ट 3-4 घंटों के लिए। अभी गैस ऑन करके बिरयानी हंडी रखेंगे और फिर उसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने पर 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, फिर जो स्लाइस किए हुए अनियंस हैं प्याज उससे हम डालेंगे, और 1 हरी मिर्च डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हो। और इससे हम फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। अब जो स्पाइसेस है वो सारा इसमें डाल लेंगे 2-3 मिनट के लिए, फिर थोड़ा फ्राई करेंगे। अभी जो मैरिनेटेड चिकन है उससे हम डालेंगे और मिक्स करेंगे। और जो मसाले लिए थे हम, उसमें थोड़ा पानी मिला के उससे एक लिक्विड जैसा मिक्स बनाएंगे, और फिर उसको भी हम कढ़ाई में डाल देते हैं। फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लें, उसमें 2 टेबल स्पून दही फिर डालें और मिक्स करें फिर से। अभी उसे कवर करके लो फ्लेम पे 20 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ दें। देखिए, अभी चिकन अच्छे से कुक हो गई है पूरी तरह। अब इसमें कटी हुई धनिया पत्ता डालेंगे। अब बारी है हमारी सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। जी हाँ, हम राइस के बदले खुसखुस यूज़ करेंगे अब, और पानी और खुसखुस का रेशियो जो है 1:1 है। तो इसमें मैं 2 कप खुसखुस डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो चिकन का स्टॉक इसमें है ये ऑलमोस्ट नियर टू 2 कप्स है, इसलिए मैं 2 कप खुसखुस डाली हूँ। ये बहुत ही हेल्दी सब्स्टिट्यूट है राइस का, और टेस्ट एकदम बढ़िया, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे सब मिक्स कर देती हूँ, गैस फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जो खुसखुस है वो चिकन स्टॉक ऑब्जर्व कर लेगा, और फिर बन गई हमारी टेस्टी यमी चिकन बिरयानी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत हेल्दी है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।